कुछ कम नहीं किया आपने निशा के साथ, जिसकी सजा मैं दिन रात भुगत रही हूं। मामा, निशा के साथ पता नहीं किस किस मासूम लड़की को बर्बाद कर दिया, जिंदगी जहन्नुम बना दी उनकी। सुंबुल, इस सब का अजाब मैं झेलूंगी, झेलूंगी, सख्त से सख्त अजाब झेलूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तबीयत कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुखार फिर से तो नहीं हुआ? नहीं। चलो अच्छा, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो आ जाता हूँ घर, कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँ। जी, खुदा हाफ़िज़। जल्दी ठीक होना है तुम्हें। भाई, सबने हमें धोखा दिया, अरमाज आंटी ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुंबुल, कैसी हो? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, शुक्र अल्लाह का। आवाज से भी काफी फ्रेश लग रही हो। हाँ भाभी, शायद आली को एहसास हो गया है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या वाकई सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच कह रही हूँ। आली मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं, हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फर्श से उठाकर उन्होंने मुझे अर्श पे बिठा दिया है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का बहुत 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 करम है। चलो, तुम्हारी तरफ से तो परेशानी खत्म हुई। बस अल्लाह तुम्हें ऐसे ही अपने घर खुश और आबाद रखे। सुबल, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं सबको बताऊंगी, सब लोग बहुत खुश होंगे। और मुझे ये बताओ कि मैं दावत का इंतजाम कब करूँ? नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि आली और मामा का आमना सामना हो।
आली की मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करना चाहती अभी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। बस हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि तुम अपने घर खुश रहो, आबाद रहो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो अलियान से कहकर रीता को तो वापस भिजवा दो। अरे भाभी मैं आपको बताना ही भूल गई, आली ने रिदा को खुद वापस भिजवा दिया है। वाकई? सुंबल तुम्हें तुम्हारे सबर का फल बहुत मीठा मिला है। बस ऐसे ही खुश रहो और अपनी भाभी को कॉल करती रहा करो। हाँ आप भी आ जाए ना किसी दिन, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। हाँ हाँ मेरी जान मैं जरूर आऊंगी तुमसे मिलने। अच्छा मुझे लगता है आली आ गए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ हाँ फौरन जाओ, आलियान को टाइम दो। अल्लाह हाफिज़, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज़। सुंबल, सुंबल जी, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? अपना सामान पैक करो। सामान? कहाँ जा रहे हैं हम? हम नहीं जा रहे, तुम जा रही हो। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अपना सामान पैक करो जाके। आलिया आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम क्या समझते हो कि मैं अपना इंतकाम भूल गया हूं? आप जैसे चाहे अपना इंतकाम ले लें, मत रखे मेरा ख्याल। मुझे अर्श से उठा के फर्श पे दोबारा फेंगे, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपने आप से दूर मत करें, मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। ये रोना धोना जो ना अपनी माँ के घर जाके करना। चलो आली ऐसा मत करें। आली मैंने हमेशा आपसे सच्ची मोहब्बत की है, सच्चे दिल से। जब कुछ नहीं जानती थी तब भी, जानने के बाद भी सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करें, मैं मर जाऊंगी। आली ये बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम जाओ और अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आली, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं यही मर जाऊंगी। घर में नहीं, मैं तुम्हें मरने दूंगा, ये बात याद रखो। मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ करें आली। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें। आली!